हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा पॉलीनोमियल के चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा इस चैप्टर में अब हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। बेटा इस चैप्टर में जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप अपने सारे क्वेश्चन हमको मैसेज में कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन नंबर 15 इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल इज ऑफ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस सी एक्स सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज फोर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेटा आपके पास ये पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, देन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए की। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू कितना दिया है, जीरो से कितना दिया है, फोर। बेटा हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिए आपका दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, देन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके बेटा, हम इसको प्रोडक्ट ऑफ ए, हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पे हमको बेटा ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एंड सी की कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो बेटा जब आपके ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, माइनस सॉरी सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, सी बाई ए। तो बेटा आप यहाँ से देखोगे, आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका सी कितना है, सिक्स है, और ए कितना है, आपका ए है। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बेटा सिक्स बाई ए। ओके, एंड यू ऑल नो अल्फा एंड बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रहा है बेटा, फोर। तो फोर इज इक्वल टू सिक्स अपॉन ए। बेटा आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ बाई वन लिख सकते हो। अब यहाँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फोर इंटू ए, फोर ए इज इक्वल टू सिक्स, देन ए इज इक्वल टू बेटा आपको मिल जाएगा सिक्स बाई फोर। दिस अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वैल्यू, थ्री बाई टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, थ्री बाई टू। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, इफ द जीरोज ऑफ ईच फॉलोइंग, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वेश्चन 17, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ओके, देन एफ ऑफ एस इसको दिया है एस स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। बेटा ये आपको पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फाइंड आउट करना है इसके जीरोज। ओके बेटा, इसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड अभी आपको बताए थे, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे। ओके बेटा, फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे एट और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का मल्टीप्लाई करने हम देख रहे हैं। बेटा यहाँ पे एट और वन का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे माइनस एट आ रहा है। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे कि जो भी हम तो एट इंटू वन करने पे माइनस एट है, एट का ऊपर माइनस एट है, तो कितना आ रहा है, माइनस एट। अब बेटा हम यहाँ चेक करेंगे कि माइनस एट किस नंबर का, कोई भी ऐसा दो नंबर आपको बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस एट है, और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे कितना आ जाए, माइनस टू। ओके, ये जो कोफिशिएंट है कितना है, एस का कोफिशिएंट माइनस टू है, तो आपको ऐड करने पे कितना आ जाए, माइनस टू। बेटा आपको जानते हो माइनस फोर इंटू अगर आप टू करोगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस एट, एंड माइनस फोर प्लस टू करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस टू। बेटा ये हो गया आपका दो वो नंबर, देखो तो नाउ पुट द एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। ओके, डेट इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर है माइनस फोर एक्स, तो एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस फोर प्लस बेटा यहाँ पे टू कॉमन है, तो एक्स माइनस अगेन टू फोर जा एट फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा देखोगे आपके यहाँ दो टर्म है, और दोनों टर्म में एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर कॉमन है, तो एक्स माइनस फोर को जब बेटा टेक इन कॉमन, देन यू गेट एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये दोनों वैल्यू अलग अलग जीरो होंगी, तो
x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तीनों बेटा आपको मिलेगी s की वैल्यू प्लस फोर एंड s की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस टू। बेटा अब आपको दो वैल्यू मिल गई प्लस फोर एंड माइनस टू। अब बेटा आपको वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज करेक्ट वैल्यू और नॉट। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, अब बेटा वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो x इक्वल टू फोर से x इक्वल टू वैल्यू मिले हैं। आप जानते हो सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा माइनस, सही यहाँ पे बाई फार्मूला माइनस टू बाई वन होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू जीरो, बेटा इस इक्वेशन के लिए आपका सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको होगा बेटा माइनस बी बाई ए। बेटा जब कंपेयर करोगे तो अब माइनस पहले यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ से माइनस यहाँ पे आप निकालोगे, अगर ये दो और दो आपके अल्फा बीटा है ना, ये आपका एस की दो वैल्यू मिली, दैट इज इट इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ओके तो आपका एस की दो वैल्यू मिली अल्फा एंड बीटा, तो बेटा इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है फोर माइनस टू डेट इज टू। अब बेटा आप यहाँ चेक करोगे यहाँ पे कंपेयर करने पे यहाँ पे कितना आएगा माइनस बी, कितना है माइनस बी या माइनस टू है माइनस, और यहाँ पे बी बाई डायरेक्ट एफ या एफ लिख लीजिए बी बाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा माइनस बी बाई ए, तो आपको कितना हो रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था माइनस बी बाई ए, देन दिस इज माइनस एंड माइनस ऑफ टू बाई वन, यू आर गेटिंग माइनस इंटू माइनस यू आर गेटिंग प्लस टू बाई वन, बाई वन से कोई मतलब नहीं है बेटा। तो आपको देखोगे कि सम ऑफ जीरो दोनों क्या है इक्वल है, तो इट इज़ वेरीफाई बाई दिस बेटा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना होता है माइनस, यहाँ पे कितना होगा माइनस सी बाई ए, तो माइनस सी बाई ए कितना हो जाएगा बेटा सॉरी सी बाई ओ ए होता है, और यहाँ पे सी का साइन माइनस में है, तो यू गेटिंग माइनस एट यू आर गेटिंग माइनस एट बाई वन हाँ। और बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर इंटू टू यू आर गेटिंग ऑल्सो माइनस एट, तो इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, तो बेटा आपके इसके रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे इसके लिए बेटा, इसके लिए आपका फार्मूला है आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो बेटा इसको आप इस तरह से फैक्टराइज कर लोगे। अब फिफ्टीन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बेटा आप रूट ऑफ फिफ्टीन का स्क्वायर लिख लोगे एस स्क्वायर माइनस रूट ऑफ फिफ्टीन का स्क्वायर ओके इक्वल टू जीरो। बेटा आपका फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ रूट फिफ्टीन इंटू एक्स प्लस ऑफ रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, यानी इट इज अगेन अलग अलग जीरो हो जाएंगे। बेटा एस की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ माइनस दिस इज जीरो, बेटा यहाँ मिलेगी आपको एस की वैल्यू प्लस फिफ्टीन एंड यहाँ से मिलेगी बेटा आपकी एस की वैल्यू दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ फिफ्टीन। बेटा जितने यहाँ पे अगर ये आपका क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको एस की दो वैल्यू मिलेगी हाँ, तो मान लीजिए आपका अल्फा एंड बीटा आपका दो जीरोज हुआ, तो एस की वैल्यू आपको कितनी मिली प्लस एंड माइनस रूट ऑफ फिफ्टीन ओके। बेटा आप लोग क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो अपना ये प्रॉब्लम मुझे सेंड कीजिए, क्वेश्चन करते रहिए ओके। तो थैंक यू बेटा।